हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जो रिसर्च है यहाँ पे जापान में वो है सेल्फ ड्राइविंग कार पे, मतलब ऐसी गाड़ी जिसको जो बगैर ड्राइवर के चले, जिसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत ना हो। तो अभी कौन कौन सी चैलेंजेस हैं ये, मतलब क्यों अभी तक वो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इवन यहाँ तक के हर कंपनी तकरीबन जो भी बड़ी बड़ी गाड़ी कंपनीज है, टेस्ला है, टोयोटा है, वो एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं इस तरह की गाड़ी पे, उसको बहुत लंबी ड्यूरेशन तक चला भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गाड़ी मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यहाँ पे जो है जो ऑटोमेशन का जो लेवल है गाड़ी का, जो लेवल नंबर 5 है, वो फुली ऑटोमेटिक होगी। जो इस वक्त गाड़ी जो अवेलेबल है वो लेवल नंबर 3 पे, जो हम मतलब जो हम लोगों के यूज के लिए अवेलेबल है, उसका जो है लेवल नंबर 3 है। 4 जो है वो मिक्सचर होगा कि आप उसको, उसमें ह्यूमन कंट्रोल भी होगा कि उसको इंसान भी कंट्रोल कर सके, और उसके अलावा गाड़ी खुद भी ऑटोमेटिकली चल सकती है, वो होगा लेवल नंबर 4। जो लेवल 5 होगा वो फुली ऑटोमेटिक होगी, मतलब उसमें स्टेयरिंग होगा ही नहीं, मतलब इंसान उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो गाड़ी जैसा आप उसमें सामने स्क्रीन होगी, आप अपना एड्रेस डालोगे और गाड़ी आपको वहीं लेके जाएगी। तो अब मसले क्या आ रहे हैं, तो आज हम उन मसलों पर बात करेंगे, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जो उसमें जो सेंसर यूज होते हैं, तो उन सेंसरों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक सेंसर होता है उसको कहते हैं रेडार। ये वही रेडार है जो जहाजों में यूज होता है, और रेडार मैं आपको, मेरे पास छोटी सी गाड़ी का प्रोटोटाइप भी पड़ा है, उसके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे जो आपस में जो सेंसर होते हैं किस तरह काम करते हैं। तो अभी ये हमारे पास एक मॉडल है गाड़ी का, तो ये एक छोटी सी सेल्फ ड्राइविंग कार है, और यहाँ पे ये जो है ये एक सेंसर है। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ ये सेंसर काम कैसे करता है। अभी ये सामने ये दीवार है, तो ये जब दीवार की तरफ जाएगी तो एक पर्टिकुलर जितना डिस्टेंस मैंने इसको प्रोग्राम देके सेट किया हुआ है, तो उस डिस्टेंस पे आके ये गाड़ी खुद रुक जाएगी और मूव करेगी दूसरी डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो है हम इसको प्ले करते हैं, ये जो इसके ऐप से कंट्रोल है, तो ये हम जब यहाँ से दबाएंगे कि ये ऑप्टिकल अवॉइडेंस, तो ये हमने दबाया तो ये गाड़ी गई, ये आपने देखा ये गाड़ी रुकी। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें सेंसर लगा है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है। ये थी अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो इसमें ये होता है कि यहाँ से जो है रेज निकलती हैं, ये जो होता है सेंडर होता है, मतलब इसमें से अल्ट्रासोनिक रेज बाहर निकलती है, और जब भी इसके सामने मतलब कोई ऑब्जेक्ट आता है, जिस तरह ये अगर हम मोबाइल उसके सामने रखते हैं, तो ये फिर रेज इस मोबाइल से टकर के और फिर वापस जो है ये रिसीवर होता है, ये सेंडर होता है, ये रिसीवर होता है, रिसीवर को जाके ये जो है इन्फॉर्मेशन रेज रिसीवर के वापस चली जाती है। मतलब अगर सामने कोई चीज़ नहीं होगी तो रेज सीधी चली जाएगी, लेकिन जब सामने कोई चीज़ आएगी तो उस चीज़ से टकरा के वो रेज वापस जाती हैं। तो सिमिलरली रेडियो जो लिडार होता है उसमें लाइट इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए निकलती है, और जो रेडार होता है उसमें रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकलती हैं। तो इस तरह के सेंसर जो है सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जब ये आपस में, जब अभी तो इन्होंने जो टेस्ट किया वो सिर्फ एक गाड़ी पे किया है, ठीक है, इन सेंसर्स को यूज़ करके, कैमरास को यूज़ करके सिर्फ एक गाड़ी को टेस्ट किया, लेकिन जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर खतरा ये होगा कि आपस में ये जो सारे जो सेंसर होंगे ये आपस में इंटरफेयर करेंगे तो गलत सिग्नल भेज सकते हैं एक दूसरे को, तो जिसकी वजह से जो है गाड़ियों को एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये एक खतरा है जिसकी वजह से अभी भी रीजन नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि अगर बारिश पड़ जाती है, आप रोड रास्ते पर देखना ये जो लाइन है वाइट लाइन्स हैं, ये मतलब हमारे यहाँ तो खैर नहीं होती ये लाइन्स हैं, तो इन लाइनों को भी जो है जो कैमरा होगा वो रीड करेगा। ये जो लाइन्स आपको वाइट लाइन नजर आ रही है रोड पे, तो इसके थ्रू मतलब गाड़ी को पता चलेगा कि यहाँ पे ये रोड की लिमिट है। मतलब बाकी भी चीजें होंगी, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो कैमरा होगा वो इन चीजों को नोट करेगा कि ये जो है रोड की लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइन है। तो इनकेस के व्हाइट लाइन छुप जाती है, या उस पर जहाँ पे बर्फ गिरती है, बर्फ पड़ जाती है, या मट्टी आ जाती है व्हाइट लाइन पे, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे वेदर कंडीशंस की वजह से रोड पे लाइट लाइन छुप जाती है, तो उस केसेस में गाड़ी कैसे रिएक्ट करेगी, गाड़ी को हम कैसे बताएंगे रोड की लिमिट्स क्या है, तो ये भी एक वन ऑफ द इश्यूज है। और तीसरी बात यह है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कि जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, या जिसकी गाड़ी है, मतलब इसका कोई अभी तक कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना कि इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, के जाहिर सी बात है हर इंसान तो पूरी कोशिश करेगा कि एक्सीडेंट ना हो, मतलब हम गाड़ी को इतना जो है हम उसको वेल टेक्नोलॉजिकली इक्विप करेंगे एक्सीडेंट ना हो, लेकिन इन केस एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, वो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर होगा, गाड़ी का जो मालिक है गाड़ी का वो होगा। इसके लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं बना, जिसकी वजह से अभी ये फुली जो ड्राइवरलेस कार है वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई है, लेकिन होपफुली विद इन फ्यू ईयर्स हम देखेंगे। आई थिंक मैक्सिमम भी 2000 जो है आई थिंक 28-30 तक जो है आप गाड़ियाँ ईजिली मतलब फुली जो इलेक्ट्रिक होंगी, मतलब फुली इलेक्ट्रिक नहीं, फुली जो ड्राइवर लेस होंगी, उनको आप देख रोड पे देखोगे आप कि उनको इंजॉय कर सकेंगे हम 2030 तक, अगर मैक्सिमम भी उससे पहले भी आ जाएंगी, लेकिन अगर फुली जो नॉर्मल हो जाएंगे आई थिंक 2030 तक उनको नॉर्मल हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है।